हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। दोस्तों 29 सम हम करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी दिस मस्ट बी टेकन। देखो एन निकालने बोल रहा हो, आपका एपी क्या है? 9, 17, 25... ये आपका एपी है। और उसने बोला कितने सारे टर्म मस्ट बी टेकन, मतलब एन कितना होना चाहिए सच दैट एस n equal to 636. How many terms of this must be taken to give sum of 636? So therefore, अपना a का value क्या? First term क्या? 9. What is d? d is equal to what? d is 17 minus 9, which is equal to how much? 8. So आपके पास d का value आ गया, a का value आ गया. So therefore, now sum of n terms is given by Sn equal to n upon 2. 2a plus n minus 1 into d. So, आपका Sn का वैल्यू कितना है? 636 दिया हुआ है। n नहीं पता, वही तो निकालना है। 2 into a, a का वैल्यू 9 है हमारे पास, plus n minus 1, what is n? n नहीं पता, n minus 1 into d, d is 8, ठीक है? सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ धीरे धीरे। So, ये हो जाएगा 636 equal to n upon 2, इन दोनों में से 2 कॉमन लो, कितना आ रहा है? इंटू टू कॉमन ले लिया, बचेगा क्या अंदर? 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, ठीक है? यहाँ से 2 कॉमन लिया, बचा 9, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 4 बचा, ठीक है? तो ये 2 कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर 636 इक्वल टू एन इंटू 9 प्लस 4 एन माइनस 4। बहुत ध्यान से देखो, 636 इक्वल टू एन इंटू 9 माइनस 4 5 प्लस 4 एन। सो देयरफॉर 4n square plus 5n minus 636 equal to 0. ये आपका क्या आ गया? Quadratic equation. So, आपको factor किसका निकालना है? 636 into 4 का. अगर आप इसका factor निकालोगे ना, तो आपका factor आता है 53 into 48. और इसको minus भी करोगे, तो भी आपको 5 आता है. So, therefore, अभी factor लिखोगे 4n square plus 53n minus 48n माइनस 636 इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर एन 4n प्लस 53 माइनस 12 इनटू 4n प्लस 53 इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर 4n प्लस 53 इनटू n माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो एक्चुअली देखा जाए, आपका n का वैल्यू आ जाएगा माइनस 53 बाय 4 और n इक्वल टू 12। सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore अपना actual n का value कितना आ जाएगा? 12, ठीक है? So number of कितना? How many terms? तो 12 terms should be taken to give sum as 636, ठीक है दोस्तों? So चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए। So मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज, और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से आप बने रहिए मेरे साथ। So thanks a lot for watching, take care, bye bye.